पापा को देखती थी पापा हारमोनियम कैसे प्ले करते हैं। फिर इसके बाद चूंकि मैं अकेली थी, भाई मेरे तीन हैं, लेकिन वो भाइयों से ज्यादा प्यार मेरे ऊपर रहा। तो आज जो कुछ हूँ मैं अपनी माँ और अपने पापा की वजह से। और आदरणीय भैया विधायक जी राजू यादव जी हमारे यहाँ होली के त्योहार के समय गए थे, तो और वो वही के हैं ही हमारे शिकोहाबाद के पास के, लेकिन अब आपके अपने हैं क्योंकि अब आपने चुना है तो आपके नेता हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ प्रशंसा भी सुनी है कि जब भी भैया को बुलाया जाता है वो समय निकाल करके आते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि जब जो जनता आपको चुनती है उस जनता को ना भूलना ही एक नेता के लक्षण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया। एक प्यारा सा भजन इसके बाद कथा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारा निवेदन है कि हमारे बीच विधायक जी उपस्थित हैं, हम चाहते हैं आप भी पंडाल में कुछ कहें। मैं व्यास गद्दी को नमन करते हुए माँ काली के चरणों में नमन, सभी संत भगवान को नमन करते हुए उपस्थित सभी मातृशक्ति बुजुर्गों नौजवान साथी, कई जन्मों का जब आपका पुण्य इकट्ठा होता है तब आप श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ये ऐसा प्राण है कि अगर इसे कोई सही उच्चारण कर ले, हम धन्यवाद देंगे बीआरसी जी को कि आपने व्यास गद्दी पर सही मूर्ति को बुलाया है, वरना आजकल तो लोग चिमटा देखते हैं भागवत में, चिमटा कैसा बज रहा है। और अब नई प्रथा और चल रही है, प्राइमरी का टीचर पहले टीचर होता था और जब वो एक्सपायर हो जाए तो मृतक आश्रित में उसका लड़का टीचर हो जाता था, अब मृतक आश्रित में शास्त्री पैदा हो रहे हैं। मैं सैकड़ों शास्त्री बता दूं जो मृतक आश्रित में पैदा हो गए। नंगला बाग है बगल में बरी के नंगला के पास, वहां कथा चल रही थी, शास्त्री ने मंत्री चच्चा ने कहा जाओ बोल दो, मैंने बेटा हमें मत बुलवाओ सुन लो, बोल माने नहीं। शिवजी के संबंध में कुछ प्रसंग चल रहा था तो मैंने कि शास्त्री जी हम जब कोई काम करते हैं मकान दुकान हवन तो नीचे शुभ क्यों लिखते हैं, शुभ लाभ। तो अब उनसे पूछे, ढोलक वाले से पूछे, चिमटा वाले से पूछे, तो हमने कहा चलो जितने लोग सामने बैठे हैं इनमें से कोई बता दे तो आप विश्वास करो किसी ने नहीं बता पाए और उसका कारण क्या है। हम लोग कह देते जो चढ़ावा है ले लेना, भागवत कर जाओ, जहां भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो मेरा ये मानना है कि वो विधिवत होना चाहिए, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये ऐसा ग्रंथ है कि इसको श्रवण करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा आप लोग बताओ, इतने लोग बैठे हैं, बताओ सवा लाभ कौन थे, क्यों लिखते हैं, एक भी नहीं बता पाए, और बताएंगे भी तो ये कहेंगे कि लाभ शुभ हो, यही है ना। ऐसा नहीं है, भगवान शिव के पुत्र गणेश की दो शादियां हुई, दो पत्नियां थी,
एक रिद्धि एक सिद्धि, एक के पुत्र शुभ है और एक के पुत्र लाभ, इसलिए वह लिखाया गया है। तमाम लोग एक दिन एक व्यास गति से, एक शास्त्री कह रहा है कि रुक्मिणी की पांच बहने थी, कभी सुनाम रुक्मिणी अकेली थी, पांच भाई थे। कारण क्या है? आप आज के 20 साल पहले याद करो, पहले जब भागवत होती थी तो लोग सामने बैठ के सवाल और जवाब करते थे कि आपने ये प्रसंग कहा है तो ये कहां से लाए। और व्यास नदी पे बैठा हुआ आचार्य आपको संतुष्ट करता था। अब होती है कैपिटल भागवत, पहले दिन कौन सी गम्मत गानी है, दूसरे दिन कौन सा गाना है, तीसरे दिन क्या करना है, बस केवल चिमटा वाले वाले देखते रहते हैं। तो कुन्ने में चिमटा वाला बैठा होगा वो ये ऐसे है और नस पूरा दोबर हो जाता है। तो मेरा आपसे कहने का अनुरोध ये है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं और अगर यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे तो व्यास नदी पे बैठे व्यास का कथा कहना बेकार। और बाबा जी ने जिस उद्देश्य से ये भागवत करवाई है उनका भागवत कराना बेकार। इसलिए ये ऐसा पुराण है, इसको बहुत ही शांत प्रिय भाव से सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और आजकल जो कैपिटल भागवत हो रही है उनसे बचना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। आदरणीय भैया के लिए ऐसा है, संगीता के पिताजी बहुत अच्छी होली गाते हैं और होली।